ये ईदगाह पर सफाई अभियान चल रहा है और हर साल की तरह इस बार भी पूरा बहुत अच्छे तरीके से, पिछले साल भी हमने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सफाई कराई थी और अब भी लगातार यहाँ पिछले 15 दिन से काम चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी कर्मचारी यहाँ लगे हुए सफाई करने में, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जुमे से पहले, अलविदा से पहले इंशाल्लाह यहाँ पर पूरा काम हो जाएगा। और इस बार हमने और इसे अच्छे तरीके से कराने की कोशिश की है, क्योंकि जो घासें हैं, जो ऐसे मतलब घासें हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो नमाजियों को जिससे परेशानी होती थी, वो हमने सब सही कराने की कोशिश की है। और यहाँ पर फर्श का हमने धुलवाने का भी इंतज़ाम किया है कि फ़र्श को बहुत खूबसूरती से धुलवाया जाए, जहाँ गड्ढे हैं वहाँ गड्ढे भरवाने का काम भी चल रहा है लगातार। तो हमारा पूरा प्रयास है कि और पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह नमाजियों किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी हमें। ये ईदगाह का मैदान है, शवाद गेट पर ईदगाह का मैदान है और यहाँ पर तमाम हमारे सभी नगर पालिका परिषद की तरफ से, चेयरपर्सन साहिबा की तरफ से ये काम हो रहा है और पालिका अध्यक्ष जी खुद भी यहाँ पर 2 बार निरीक्षण करके गई हैं और उनका प्रयास यही है कि बिल्कुल इसको साफ़ किया जाए, बिल्कुल खूबसूरत बनाया जाए इसको और नमाजियों किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जहाँ गड्ढे हैं वहाँ गड्ढे भरवाने का भी काम करा जा रहा है। बिल्कुल, मैं बराबर यहाँ, मैं अपनी पूरी टीम के साथ बराबर रोज़ यहाँ पर आने के निरीक्षण कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। कितने कर्मचारी लगाए गए यहाँ? लगभग 25 या 30 कर्मचारी लगभग काम कर रहे हैं और काम भी लगभग 10-12 दिन से लगभग चल रहा है लगातार।